नमस्कार जेंटलमैन, स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं बजट स्पेशल। और बजट पे हम चर्चा करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ में है कि बजट में किसको क्या मिला, बजट का जो मायने है क्या वास्तव में सही मायने में उसमें बजट खरा उतर पा रहा है। बजट को लेकर के जो चर्चा है कि भविष्य का बजट आपके किस तरह का होना चाहिए, सप्तऋषि की बात की गई है। ये कहा गया है कि अमृत काल का पहला बजट है जो 100 साल के लक्ष्य को लेकर के बनाया गया है। खैर चलिए, अपने अपनी बात है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ में लेफ्टिनेंट जनरल फॉर्मर एसपीएस कटेवा साहब जुड़े हुए हैं, हमारे साथ बजट विशेषज्ञ जीडी व्यास साहब जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ रेलवे मामलों के विशेषज्ञ आनंद प्रकाश जी जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं कटेवा साहब आपके पास आना चाहूंगा। एक दिन पहले भी हम बात कर रहे थे कि देश और दुनिया के सामने चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन हम बात करें हमारे मुल्क की, हम दो तरफ से डिक्लेयर्ड एनिमीज से घिरे हुए हैं और जिनकी चुनौतियां समय समय पर हम देखते भी हैं, उनका मुकाबला भी करते हैं। ये बजट चुनावी बजट के साथ साथ, जैसे एक अपेक्षा की जा रही थी कि इलेक्शन होगा अगले साल, ऐसे में हर वर्ग को खुश करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन कुछ ऐसे आधारभूत ढांचा पे इन्वेस्ट करने की आवश्यकता होती है सरकार को, जिसमें डिफेंस भी एक है, चैलेंजेस का मुकाबला करता है। और तो क्या वास्तव में अगर इंटरनल और हमारी एक्सटर्नल दोनों, अगर सिक्योरिटी बॉर्डर की अगर हम बात करें, तो इस बजट में हम ये कह सकते हैं कि हाँ, वो खाका दिखाई दे रहा है जिसमें आत्मनिर्भर भारत की बात की जा सकती है। योगेंद्र जी, किसी भी राष्ट्र का जो बजट होता है उसमें डिफेंस एक बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है। हालांकि आज अपने फाइनेंस मिनिस्टर के भाषण में डिफेंस बजट के बारे में कोई भाषण का एक हिस्सा नहीं था, परंतु जब बजट का डिटेल्स पता किया से पता चला कि पिछले साल के बजट में डिफेंस का जो अलोकेशन था वो था 5,25,000 करोड़, और आज जो बजट पेश किया है उसमें अलोकेशन हुआ है 5,94,000 करोड़, तो 70,000 करोड़ का इफाजा हुआ है। वैसे फिगर देखा जाए तो पिछले कंपैरिजन के जहां 5-7% से ज्यादा बढ़ोतरी होती थी, उसके मुकाबले तो फिगर्स तो दिखाती हैं कि बढ़ोतरी हुई है। परंतु इसको अगर आप ब्रेक डाउन करेंगे तो 2,70,000 तो चला जाएगा रेवेन्यू बजट, जो सैलरीज, कंटोनमेंट के अपकीप, मेंटेनेंस वगैरह वगैरह में चला जाएगा, जो नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन है आर्म फोर्सेस का उसमें चला जाएगा। 1,38,000 के करीब लोकेशन है पेंशन में चला जाएगा, और तकरीबन 30-31,000 करोड़ एमओडी सिविल, और जो उनका कैपिटल आउटले है जो सिविल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है रक्षा मंत्रालय का, उसमें चला जाएगा। तो और 1,62,000 करोड़ कैपिटल आउटले में अलॉटमेंट हुआ है। इसको अगर आप कंपेयर करें पिछले साल की बजट में, तो पिछले साल में 1,52,000 करोड़ था और इस साल 1,62,000 करोड़ है कैपिटल आउटले में, तो 10,000 करोड़ का सी इफाजा जो इंक्रीज हुआ है वो हुआ है। जो मैं समझता हूँ, खास करके अभी जब चाइना का 3,500 किलोमीटर के आसपास का लंबा जो हमारा बॉर्डर है, और दिनों दिन किसी सेक्टर में कुछ ना कुछ चाइनीज एक्टिविटी बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए ये जो 10,000 करोड़ का जो इंक्रीज है कैपिटल आउटले में, ये कम है, क्योंकि अभी हमें काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उन बॉर्डर एरियाज में करना है। अभी ईस्ट लद्दाख में किया था, अभी अरुणाचल में इसी तरह चल रहा, पूरा का पूरा जो चाइना के साथ बॉर्डर है उसमें हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर जोर है, तो उस हिसाब को देखते हुए ये थोड़ा सा कम लगता है। पर योगेंद्र जी, आपको मैं बताऊं, जब भी जरूरत पड़ती है, कई बार ऐसा हुआ है कि जो बजट एलोकेशन था उससे ज्यादा हमने एक्सपेंडिचर किया है जब जरूरत पड़ती है, तो उस हिसाब से लिहाज से गवर्नमेंट, क्योंकि डिफेंस का अपना एक एजेंडा होता है, डिफेंस एक सिक्योरिटी के लिहाज से जब भी आवश्यकता पड़ती है, जैसे अचानक कुछ युद्ध थोप दिया, कारगिल के वक्त जैसा हुआ था, तो उसमें स्पेशली उस समय बजट एलोकेट करना पड़ता है। तो कुछ लगता है आपको कि हमारे यहाँ पे कुछ इमरजेंसी फंड जो होते हैं शायद इसी काम के लिए होते हैं बजट, और गवर्नमेंट को राइट होता है कि वाया प्रेसिडेंट वो कभी भी उस बजट को यूज कर सकते हैं। हमारे साथ जीडी व्यास साहब हैं। सर, आपके पास आना चाहूंगा कि बजट इमरजेंसी को लेकर के जब हम बात कर रहे थे अभी कटेवा साहब से, तो
कुछ ऐसे अवसर होते हैं जिसमें कोई भी परिस्थिति अगर बनती है तो उसमें जो बजट डिक्लेयर्ड होता है लेकिन अगर एडिशनल कुछ आवश्यकता पड़ती है तो उसको यूटिलाइज किया जा सकता है? हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात की व्यवस्था की गई है कि एक इमरजेंट फंड होता है, एक कंसोलिडेटेड फंड होता है, एक कंटिजेंट फंड होता है। एक सर्टेन अमाउंट राष्ट्रपति जी के डिस्पोजल पे रख दिया जाता है और राष्ट्रपति जी जब भी चाहें, यदि बजट में उसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है, पहली बात तो लगभग सब चीजों के बजट में व्यवस्था की जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है जिनकी परिकल्पना हमने, सरकार ने या बजट बनाने वाले ने पहले नहीं की हो। जैसे उदाहरण के लिए छोटा सा निवेदन करना चाहूं, 1962 के आसपास हमारे यहाँ पर टिड्डी दल का आक्रमण हुआ। अचानक जितनी हमारी खेती थी, पेड़ थे, सबको उसने निपटा दिया। एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गई, जो ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कहा गया हमारे तो बजट नहीं है, हमारे तो इसका प्रोविजन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर तो हॉर्टिकल्चर का भी नुकसान हुआ है। हॉर्टिकल्चर वालों से बात करी, उन्होंने कहा जी हमारा क्या लेना देना, और किसी का भी हुआ है। तो गवर्नमेंट ने संविधान को देखा और संविधान में कंटिजेंट फंड की व्यवस्था की गई थी, इमरजेंट फंड की व्यवस्था की गई थी, और बिना बजट पारित कराए उतना अमाउंट दे दिया, और जब बजट पारित करवाया दोबारा तो उसको वापस उस इमरजेंट फंड में डाल दिया। तो हमारे यहाँ पे संविधान में इस बात की व्यवस्था है कि इमरजेंसी की स्थिति में जिसका बजट प्रोविजन नहीं लिया गया हो या इवन बजट हेड भी नहीं खोला गया हो, उसके लिए सरकार बजट राष्ट्रपति जी की अनुमति से उपलब्ध करा सकती है। बिल्कुल। ओवरऑल अगर हम बात करें इस बजट की, अब की बार इसमें हम दो चीज देख रहे थे कि बजट जो इस बार आएगा 23-24 का, एक तो इलेक्शन होगा 24 में, और कोई भी गवर्नमेंट हो, बीजेपी अगर उसको भी ध्यान में रख के करती है तो कोई गुनाह नहीं लगता मुझे, क्योंकि हर गवर्नमेंट यही सोच के चलती है कि जनता के बीच जाऊंगा मैं तो कुछ अगर उसे बोनस देता हूं तो उसका रिटर्न बोनस अंक मुझे भी मिलने चाहिए, एक धारणा बनी होती है हर गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर हमारी यूनियन गवर्नमेंट हो। दूसरा, कोविड के बाद 2 साल तक कोविड में हर बजट पे उसका साया दिखाई दिया, ये बजट कुछ अलग हटके होने की उम्मीद थी कि 2 साल हमने कोविड में पूरी दुनिया ने भी बिताया जिसका असर हर मुल्क पे पड़ा, क्या लगता है कि इस बजट में उस साए से हम बाहर निकल पाए हैं? जहां तक इस बजट का सवाल है, मैं बहुत टेक्निकली तो नहीं कहूंगा, लेकिन कोई ऐसा पॉपुलर बजट नहीं है जो चुनाव को देख करके ही बनाया गया हो। एक मध्यम वर्ग के लिए इनकम टैक्स की राहत देना एक सामान्य सी बात है जो कई बार बजटों में पहले भी किया गया है और उससे पहले कई बार किया जाता था, अमाउंट कम होता था। यहाँ पर उसके सरलीकरण की तरफ चूंकि बढ़ रहे हैं, और हमने पिछले बजट में ये बात कह दी थी पिछले बजटों में कि 2 तरह का इनकम टैक्स दिया जाएगा, एक तो लमसम जो 5 लाख रुपए की सीमा जो 7 लाख रुपए की हो गई है, और एक जो ओल्ड स्कीम में चला करते हैं उनके लिए बात कही गई थी, तो वो बात कह दी गई, इसके अलावा कोई ऐसी चीज नहीं, लेकिन कुछ फ्यूचरिस्टिक बातें कही गई है। मुझे खुशी है कि सरकार आगे की बात भी सोच रही है। हमने यदि किसानों की बात करें तो हमने कहा कि हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहां पर मिलेट बहुत ज्यादा पैदा होता है, या जिसे कहें मोटा अनाज बहुत ज्यादा पैदा होता है, जिसका नाम भी यहां पर दिया गया, श्री अन्न के नाम से नाम दिया गया, और हमने कहा कि हिंदुस्तान तेजी से हेल्थ अवेयरनेस दुनिया में पैदा होने लगी है, और ये कम पानी में पैदा हो जाता है, छोटी जमीन पे पैदा हो जाता है, तो इस बात की परिकल्पना ही नहीं की गई बल्कि इसको मूर्त रूप देने के लिए इस बजट में व्यवस्था की गई है। यदि हम बात करें एकलव्य विद्यालयों की बात करें तो वहां पे भी संख्या को बढ़ाया गया है, ट्रेनिंग की बात की गई, 50% 50 साल तक इंटरेस्ट फ्री लोन देने के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को देने की भी व्यवस्था की गई है, और हाईएस्ट यदि मैं बात कहूं कि 33.4% जो 10 लाख करोड़ के आसपास है कैपिटल इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करा है, और 50 साल तक इंटरेस्ट फ्री लोन स्टेट गवर्नमेंट को देने की बात भी इस बजट में की गई है। तो क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को यदि इंटरेस्ट फ्री लोन आप देते हैं 50 लाख रुपए से, तो उनकी स्थिति का भी सुधार होगा,
उनके यहाँ पर तनख्वाह देने की जो समस्याएं हैं और बातें जो और रिजर्व बैंक कहता है कि ये आपने ओवरड्राफ्ट ले लिया, उससे उनको निजात मिलेगी। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे 2-3 tier सिटीज की भी बात की गई है, ज्यादातर विकास बड़े मेट्रो सिटीज का होता था। इस बजट में इस बात की भी व्यवस्था की गई कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 2-3 tier सिटीज को भी इन लोगों ने चुना है। जी मैं लौटूंगा आपके पास में, हमारे साथ इस वक्त सीएल यादव साहब हैं, पेशेवर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कांग्रेस के लीडर भी हैं। यादव साहब एक पहला रिएक्शन तो चाहूंगा कि ओवरऑल बजट में खूबी क्या है इसकी? आज का सबसे बड़ा मजाक है खूबी। मेरे 140 करोड़ भारतीयों को 18 लाख करोड़ का नया वजन मिल रहा है कर्ज का। आपका फिस्कल डेफिसिट 18 लाख करोड़ से है। आपके आम भारतीयों क्या दिया? अभी माननीय साहब कह रहे थे टैक्स में सरलीकरण, टैक्स में सरलीकरण भी भूल गए। 7 लाख की जो इंसेंटिव दिए वो 7 लाख के बाद 7 लाख पे क्या होगा? 7 लाख 10 रुपए पे क्या होगा टैक्स? उसके बारे में कोई नहीं बोल। तब ये कह रहे 7 लाख रुपए तक की आय कर मुक्त हुई। दो स्लेब 5 लाख वाले को क्यों नहीं बनाया? जब आप सबको राहत देना चाहते हो तो जो 5 लाख की सीमा थी जो आम करदाता को पहले दी जा रही थी उसको क्यों नहीं बढ़ाया? सिर्फ न्यू रिजीम की बात क्यों कर रहा हूँ? सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करना है, हर बजट में कंफ्यूजन क्रिएट करना है। आप ये 25 साल आगे का बजट है, 25 साल आगे का सिर्फ कॉर्पोरेट्स के लिए बजट है, आम भारतीयों के लिए बजट नहीं है। आम भारतीयों के लिए तो ये 1 साल के लिए भी नहीं सोचते। सर 25 साल तो बहुत कम बता रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि सप्तऋषि मंडल जो बैठा है इन्होंने, आप उसको देखिए, उसमें साफ कहा है कि अमृत काल का पहला बजट है, लेकिन 100 साल आगे कैसे जाएगा हिंदुस्तान, उसका खाका हमने बनाया है। इनको 1 साल की समझ नहीं है, 100 साल की समझ कैसे पैदा करेंगे? क्या दिया इन्होंने नया बजट में? क्या है आप बोल के, आपका इंटरेस्ट 47% हो गया आपका टैक्स रेवेन्यू का, आपका जो फिस्कल डेफिसिट है वो आपका टैक्स रेवेन्यू का 7% है। तो आप कौन से 100 साल आगे के देश की भी बातें कर रहे हो? एक कॉर्पोरेट का बजट है, कॉर्पोरेट के लिए जब दिखाना होता है तो आप उसकी साइज कम कर देते हो, और जब आपका रिवाइज बजट आता है तो वो कई गुना बढ़ जाता है। आप इंडस्ट्री के लिए 1,76,000 करोड़ रुपए का रिवाइज बजट में प्रोविजन आ गया, उसके लिए कोई नहीं बोलेगा। इनको नॉर्थ ईस्ट में इलेक्शन के लिए है तो 2021 तक तो 600 करोड़ रुपए खर्च कर रहे थे वहां पे, और यहाँ जाकर के 30,000, 35,000, 40,000 रुपए की बातें लेके आ गए कि साहब हम नॉर्थ ईस्ट को फोकस कर रहे हैं, हम जे एंड के को फोकस कर रहे हैं, हम लद्दाख को फोकस कर रहे हैं। तो ये इलेक्शन बजट नहीं है, तो हम सेंट्रल कर्नाटका के लिए बजट देंगे साहब, अलग से स्पेसिफिक देंगे किसी कर्नाटका में, ये इलेक्शन बजट नहीं है। ये इलेक्शन नहीं है तो क्या है? हम भारतीयों को क्या मिली? हर घर में ये होता है कि साहब बजट बढ़े, हम वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ जा रहे हैं जहाँ नॉन बेस्ट सोसाइटी हमने देखे देखे, तो वही हम मोदी जी और निर्मला सीतारमण जी देश को कर्ज में डुबोना चाहते हैं, कर्ज प्रधान समाज बनाना चाह रहे हैं, ये उनकी सोच है। 100 साल में एक कॉर्पोरेट्स के डेवलपमेंट की बातें कर रहे हैं, हम भारतीय के डेवलपमेंट की बातें नहीं कर रहे। आज आप देख रहे हो अडानी ग्रुप के क्या हाल हो गए, उसे पब्लिक स्टेक कितना है? 2%, मैक्सिमम 5%, 78% प्रमोटर्स का हिस्सा है, पब्लिक का विश्वास नहीं है। मोदी इकोनॉमिक्स में पब्लिक का विश्वास नहीं है, और यदि मोदी इकोनॉमिक्स में पब्लिक का विश्वास होता तो अडानी में 50% से ज्यादा होल्डिंग आम जनता की होती है। 2%, 1.5% टैक्स, एकदम लेस बजट है, देश को ये 100 साल की दिशा नहीं है। टैक्सन लेस बजट, मैं इसको कहना चाहूंगा कि किसानों की कीमत के ऊपर, गरीबों की कीमत के ऊपर ये जुमलों का बजट पेश किया जा रहा है। चलिए मैं वापस लौटूंगा सर आपके पास में। मैं हमारे साथ आनंद प्रकाश जी हैं जो रेलवे के मामलों के जानकार हैं, और उनसे हम बात करना चाहेंगे क्योंकि जिस तरह से अभी जमाना रिफॉर्म्स का है, रेलवे भी उससे अछूता कैसे रह सकता है? पिछले दिनों भी की गई हैं फास्ट ट्रेन्स भी, और उसके अलावा जो दूसरी उसके साहक की बात थी रेलवे की, कि रेलवे की साहक की भी होनी चाहिए, साफ सफाई, सिक्योरिटी, वो तमाम जो चीजें हैं। सर आपके पास आना चाहूंगा मैं, रिफॉर्म्स की बात की जाती है तो रेलवे में कुछ इस बजट में रिफॉर्म्स की बात कही जा सकती है, क्योंकि अभी भी बहुत सारी जगह दोहरीकरण, इलेक्ट्रिफिकेशन छूटे हुए हैं, बहुत सारे मंडल ऐसे हैं उनके समय के साथ और जरूरतों के साथ उसमें बदलाव किया जा सके, स्टेशन में साफ सफाई के साथ में।
मैं घोषणा बहुत लंबे समय से सुन रहा हूँ कि वाईफाई से कनेक्ट रहेंगे, ग्रीन उसमें स्टेशन की बात की गई थी, हमारे जयपुर के भी अगर बात करें तो वर्ल्ड क्लास स्टेशन की बात कही गई थी। कुछ ऐसे चीजें हैं इस बजट में भी जो हम नहीं कर पाए। देखिए रेलवे का तो बजट एक अलग मामला, आप तो बहुत लंबे समय तक उसमें बड़े अधिकारी रहे हुए हैं। घोषणाएं में मोदी जी का जब पहला कार्यकाल था तब सुन रहा था कि रेलवे की ऐसी ऐसी योजनाएं जो 60 से घोषणा हुई पड़ी है और अभी तक नहीं हुई, क्या वास्तव में उन घोषणाओं की ओर ध्यान दिया जाएगा या फिर चुनावी लिहाज से अपने क्षेत्र को लुभाने के लिए घोषणाएं कर दी गई जो बहुत ज्यादा कोई ये कहूं कि लंबी एक सोच की बात नहीं हो सकती, एक छोटे टाइम के लिए हो सकते हैं कि आप उसका तुरंत एक बेनिफिट ले सकते हैं। तो यहां सर इस बार की बात करें तो पेंडेंसी जो हमारी चल रही है योजनाओं की वो फुलफिल कर पाएगी? एक समय के साथ रिफॉर्म्स की जैसे रेलवे में आवश्यकता हो है वो सब कुछ हो पाएंगे इस बजट के माध्यम से? सर नमस्कार जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो आप कह रहे हैं कि मोदी कार्यकाल से ऐसा हुआ जो घोषणाएं की गई थी नहीं पूरी हुई, तो उसमें पैसे का काफी प्रॉब्लम थी। हम देख रहे हैं कि पिछले 7-8 साल में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसके बेसिस पे जो बुनियादी काम किए जाते हैं करने चाहिए, अगर उन कामों को नहीं किया जाएगा दूसरे लोक लुभावन कार्यक्रमों को या लाइनों को ही बनाया जाएगा जिसमें कि कोई अर्निंग नहीं आएगी, तो जो रेलवे को डूबने में फिर और ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो मेन है कि अगर पैसा बढ़ाए 40,000 से या 2.4 लाख करोड़ रुपए का एक सालाना ग्रांट मिला है रेलवे जनरल बजट से और से प्राइवेट बोरोइंग से, तो इससे अगर हम प्रोजेक्ट उस तरीके करेंगे डबलिंग वाले, ट्रिपलिंग वाले, क्वाड्रिपलिंग वाले या लास्ट माइल कनेक्टिविटी जैसा कि इसमें प्रोजेक्ट किया है बजट अनाउंसमेंट में, तो निश्चित तौर से फायदा होगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर इसमें दूसरी तरीके से पैसा खाली लोक लुभावन कार्यक्रमों में प्रोजेक्ट्स में लगाया गया तो इससे रेलवे और जल्दी डूबने के भी चांस है। तो मतलब जिम्मेदारी बढ़ जाती है सभी पर, न केवल मंत्री जी पर बल्कि अधिकारियों पर भी और बोर्ड सदस्यों पर भी, कि उनको बिल्कुल उनके खर्च करें, ऐसा न करें कि जो प्रोजेक्ट वास्तव में क्रिटिकल है जो कि पोर्ट कनेक्टिविटी के है, कोल या स्टील सेक्टर से को ज्यादा करेंगे, वंदे भारत का भी जैसे है तो वंदे भारत के थ्रू अगर हम दूसरा ट्रैफिक कैप्चर कर पाएंगे, एयर वाला ट्रैफिक या बस वाला ट्रैफिक जो कार से लोग जाते हैं, दे प्रीफर टू गो बाय वंदे भारत, तो फिर उसके लिए टाइमिंग देखना पड़ेगी क्योंकि वंदे भारत पूरा दिन में चलती है, सुबह चलेगी, 7-8 घंटे की सफर होता है एक साइड का, तो उसमें मेरे को लगता नहीं कि ज्यादा पेइंग ट्रैफिक अभी हम पकड़ पा रहे हैं, तो उसको उस तरीके से टाइमिंग करना चेंज करके अगर करेंगे तब निश्चित रूप से जो बढ़ी हुई पैसा है जिसका जरूरत है, लेकिन जरूरत वही है जैसे मैंने बताया कि सभी जगह रेवड़ी बांटने से नहीं चलेगा, इसको चुने हुए प्रोजेक्ट में जो कि हमको हाई रिटर्न है उनमें लगाने की जरूरत रहेगी, तो फिर वास्तव में इस देश की इकोनॉमी में फ्लेक्सिबिलिटी फैक्टर काफी रहता है। रेलवे में खर्च किया हुआ पैसा इकोनॉमी को कम से कम 5 गुना इजाफा देता है, वो मिलेगा फायदा। एक बात तो है योगेंद्र जी, रेलवे के एक सीनियर सिटीजन को ये आशा थी कि जो उनको कंसेशन मिलता था रेलवे में कई सालों से मिलता जा रहा था उसको वो कोविड में बंद कर दिया था। हाँ, वो कोविड में बंद कर दिया था, लग रहा था इसको फिर से स्टार्ट करेंगे पर उसके बारे में कोई घोषणा नहीं हुई। दूसरा, हम कई सालों से जो हमारी वीरांगनाएं हैं, वॉर विडोज हैं, उनका उनके लिए हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते रहे हैं कि उनको सेकंड स्लीपर की बजाय उनको सेकंड एसी या 3 AC में ट्रेवल करने की सुविधा दी जाए, ये भी हम सोच रहे थे कि इस पे कोई घोषणा होगी, वो भी सरकार ने बजट में इसकी घोषणा नहीं की। जी प्रकाश साहब, एक बात मैं जानना चाहूंगा, वंदे भारत का हम जिक्र कर रहे हैं कि सब समय बचाने के लिए, लेकिन अभी भी वंदे भारत की बात जो की जा रही है कि उसमें अभी कुछ ऐसी स्थितियां हैं कि जिसको लेकर के कुछ रूट्स पे तो आपने चालू कर दिया लेकिन क्राउड जो है आपका अभी भी छोटे स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने के लिए, क्या वास्तव में इस पे भी कोई प्लानिंग की जानी चाहिए? ठीक है, क्लास एलिट क्लास के लिए तो आपने कर दिया कि आप फास्ट यात्रा करेंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे, क्योंकि एयरपोर्ट्स की भी स्थितियां ये बन गई हैं कि आप 1-1.5 घंटे पहले पहुंचिए, फिर निकलने में आपका लगे जाएगा 1 घंटा, आप वहां पे हो जाइए,
फिर आपका जो सफर है, तो आदमी देख करके चलता है कि मेरे 4-4.5 घंटे इसमें लग रहे हैं, अगर 6 घंटे मुझे ट्रेन पहुंचा रही तो मैं उसी से चला जाऊंगा, तो वो तो एक ठीक है। लेकिन पर्टिकुलर एक तबका, सपोज जैसे आप दिल्ली के अंदर ही है, आसपास से कोई आते हैं जो लोग वहां पे 40 किलोमीटर से 45 किलोमीटर, उन ट्रेन की हालत क्या होती है, क्या वास्तव में इस पर भी कुछ गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए? मैं दोहरीकरण की या इलेक्ट्रिफिकेशन के डबलिंग की जो बात कर रहा हूँ उसकी यही वजह थी, क्या उनके लिए भी कुछ सुविधाएं मुहैया कराने का कहीं संकेत दिख रहा है इसमें, जो डेली अप डाउन करने वाले हैं, एक ट्रेन से आते हैं ना काम करके इवनिंग की ट्रेन से चले जाते हैं, ऐसा हर बड़ा शहर उन यात्रियों से जुड़ा हुआ है, आप तो सर लंबे समय तक देखे हुए हैं, जो सुविधाओं के साथ साथ सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें हमारे गंतव्य तक जाने के लिए सुबह के वक्त में ट्रेन मिले और शाम को पहुंच जाए, क्या वो पिक्चर दिखाई दे रही है, या फिर उसको हम मान के चले कि गुजरे जमाने की बात हो गई, अब इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं आज? इसके बारे में एक बताना चाहूंगा कि जो लोकल पैसेंजर ट्रेन चलती थी उसके बदले में अब EMU मेन लाइन EMU तो सारा हमारा इलेक्ट्रीफाइड हो गया है, तो उसे मेन लाइन EMU चलाने की जो चल रही है कुछ जगह, और बाकी को उसको बढ़ाने की आवश्यकता है, तो मेरे को डिटेल अभी मालूम नहीं, लेकिन गाड़ियां चल रही हैं क्योंकि मेन लाइन EMU करके पूरा डेमू, जैसे जयपुर के आसपास डेमू चलती है जिससे कि लोकल हर जगह पर रुकती है, तेज उसका पिकअप होता है। दूसरा एक एस्पेक्ट अभी आया, जैसे मैं अभी दिल्ली में NCRTC नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ये रैपिड रेल बना रही है। रैपिड रेल का मतलब है कि दिल्ली से और मेरठ की दूरी को 80-82 किलोमीटर की दूरी और ये एक घंटे में कवर कर लेंगे, 180 किलोमीटर पर आवर की गाड़ियां चलेंगी इस पे, और ये मतलब खाली हाइपोथेटिकल नहीं है, ये अभी इसी महीने हम लोग ट्रायल कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि रैपिड रेल का 17 किलोमीटर एक ट्रायल सेक्शन समझ लीजिए, जो साहिबाबाद से और दुहाई की तरफ है, उस पर 160 किलोमीटर पर आवर की गाड़ियों से ऑलरेडी ट्रायल हो रही है, और 180 की ट्रायल कुछ दिनों में हो जाएगी, तो ये मार्च में ये रियलिटी हो जाएगी। इसी तरीके के प्रोजेक्ट 8 प्रोजेक्ट एनविसेज किए गए थे, आज नहीं 20 साल पहले किए गए थे, उनको अब जैसे जयपुर की तरफ, दिल्ली से जयपुर के लिए भी एक प्रोजेक्ट है, उसको अभी उसका स्वीकृति जो, क्योंकि राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार को और एशियन डेवलपमेंट बैंक है या दूसरी बैंक से उनसे ऋण लेना पड़ता है, तो अभी तक केवल उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो मेरठ तक वाले उसको सैंक्शन की गई है, तो मेरे को आशा है कि जो पैसा है इससे न केवल डबलिंग और ट्रिपलिंग वाले, लेकिन बुलेट ट्रेन भी इसी में जो 1,02,40,00,000 का पैसा करोड़ का दिया है, उसमें न केवल रेलवे को डायरेक्टली रिलेटेड, बल्कि जैसे बुलेट ट्रेन है, रैपिड रेल सिस्टम है, और दूसरे भी जो काम है वर्ल्ड क्लास स्टेशन जो बना रहे हैं उसमें भी पैसा लगाया जाएगा। लेकिन मैंने जैसे बताया कि पैसे को हमको बड़ी सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि जो आगे का रिक्वायरमेंट है, जनता, सामान्य जनता को भी फायदा हो और डिजिटल इकोनॉमी को भी फायदा हो, उन फैक्टर्स को लेकर चलेंगे तो निश्चित रूप से जो एनहांस ग्रांट है उसका फायदा ओवरऑल हो पाएगा। ओवरऑल अगर हम बात करें तो मकसद भी आपका तभी हल होगा कि जिस लोक कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं कि निश्चित रूप से वो पैसा दे करके भी अगर उन्हें सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो चाहते हैं कि वाजिब दाम में मुझे, फिर सबसे बड़ी बात ये है सर उसमें कि आपका फ्यूल जो है वो अनावश्यक रूप से नहीं जलेगा, आप अगर जाएंगे वहां पे आपका साधन मिलता है, ई रिक्शे मिलते हैं, पॉल्यूशन फ्री होंगे, तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिसको हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मोड पर इसे और आगे बढ़ाना होगा। आज भी मैं देखता हूं कि कार पूल में लोग लेकर के जाते हैं कि 4 लोग एक ही जगह जाने तो क्यों अलग अलग गाड़ियां लेके जा रहे हैं, एक ही से जाए फ्यूल बचेगा, आपका कंजम्पशन तो कम हो गई, उसके अलावा आपका पॉल्यूशन पे बड़ा असर पड़ता है, वो भी बचेगा। मैं चलिए एक व्यास साहब के पास में जाना चाहूंगा, पब्लिक यह बात समझ कर चलती है कि राजस्व घाटा और राजकोष के घाटा वो लगातार बढ़ता जाता है, फिर ये इसकी एक दुआई ये दी जाती है कि साहब लोक कल्याणकारी सरकारें इसी तरह से आगे बढ़ती हैं। जब हाउस में किसी से पूछा जाता है स्टेट गवर्नमेंट हो या यूनियन गवर्नमेंट हो, तो कहते हैं कि रेवड़ियां नहीं बांटी हमने, एक लोक कल्याणकारी स्कीम्स को लॉन्च किया, उसमें पैसा तो लगेगा, हमने उधार लेके घी नहीं पिया है। लेकिन ये घी नहीं पिएंगे और ये स्कीम्स को हम चलाते रहेंगे तो ये घाटा तो बढ़ता चला जाएगा, जो मुझे लगता है कि चिंता का विषय होना चाहिए। सरकारों पर कितनी चिंता होती है इसकी? देखिए, सरकार को पूरी चिंता होती है क्योंकि सरकार का आना जाना लोकतंत्र में स्थिर है और पार्टी का आना जाना अस्थिर है, एक सामान्य घटना है। इसलिए ये अच्छी तरह जानते हैं कि हम रहे या कोई रहे, उनको सरकार चलानी होगी और देश चलानी होगी, और इतिहास गवाह इस बात का।
कि बजट पारित करते समय आपको ध्यान होगा कि प्रधानमंत्री बदल गए थे, उनको अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा, असफल हो गए थे, लेकिन बजट पारित किया गया। इसलिए एक बात पे मैं साफ कहना चाहूंगा कि पार्टी कोई भी हो वो देश को चलाने में विश्वास करती है और बजट को पारण कराने में, एक प्रॉपर बजट हो उसकी विश्वास करती है। अब सवाल आपका यह है कि जो घाटा है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन आप देखिएगा कि एफआरबीएम एक्ट आने के बाद इस बात की चेष्टा की जा रही है कि उसको विद इन लिमिट रखा जाए, और विद इन लिमिट रखने के लिए कोशिश की जा रही है। लेकिन एक चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी कोई काम करेंगे, आपने आपने देखा कि कोरोना काल के अंदर अनाज बांटा गया, राशन बांटा गया, कोरोना काल में दवाइयां फ्री वितरण की गई और बहुत सारी बातें हुई। तो जब खर्चा होगा डेवलपमेंट के लिए तो खर्चे को आप रोक नहीं सकते जो जन कल्याणकारी है। लेकिन इन्होंने इस बजट में भी बात कही कि हम इसको लिमिट में लाने की कोशिश करेंगे। कई चीजें ऐसी की गई हैं जो चीजें मैं मानता हूं कि इतिहास पर दर्ज हो जाएंगे। मेरे को बहुत अच्छी तरह ध्यान है कि मैं जब 1982 में स्टेट सर्विसेज में ऑफिसर के रूप में शामिल हुआ था उस समय कंप्यूटर की बात की जा रही थी और ये कहा जा रहा था सब चूंकि कंप्यूटर आ रहा है इसलिए रोजगार के अवसर खत्म हो जाएंगे। आज आप देखिएगा कि रोजगार के सबसे ज्यादा अवसर हैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और उस साइड के अंदर है। एक नई चीज जो शुरू करने जा रहे हैं इस बजट में घोषणा की गई है वो की गई है कि डिजिटल लाइब्रेरी की घोषणा की गई है। आप कोई भी फाइबर लगा लीजिएगा अपने घर पर और जो किताब चाहे वो पढ़ लीजिएगा क्योंकि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में वो अवेलेबल होगी। जो आप पर हम किताब पढ़ने की आदत छोड़ चुके हैं वो हम उसके माध्यम से पढ़ पाएंगे, ज्ञान अर्जित कर पाएंगे। और दूसरी बात, हमने एजुकेशन पे, हेल्थ पे हमने कहा है कि एग्रीकल्चर, हेल्थ और एजुकेशन पे A1 मेक के हम स्पेशलाइज्ड सेंटर्स डेवलप करने जा रहे हैं, ये कहा गया है बजट के अंदर। ऐसा मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा, समय का अभाव है, मैं समय का ध्यान रखते हुए मैं तमाम अतिथियों को रोकना चाहूंगा क्योंकि समय हो चुका है और हम किसी दूसरे प्रोग्राम पे जाएंगे। तो चलिए, अब हमने एक्सपर्ट्स की राय ली है कि बजट ओवरऑल कैसा है। बजट पे निश्चित रूप से देखिए, गवर्नमेंट कोई भी बजट देती है उसमें एक्सपर्टीज का अपना एक रोल प्ले करते हैं वो, और वो देश के विकास को ध्यान में रख के ही करते होंगे। बात अलग होती है कि उसमें पिक्चराइजेशन पॉलिटिकल एंगल से कर दिया जाता है या देखा जाता है, हर आदमी की अपनी अपेक्षाएं होती हैं उसके लिहाज से वो किस नज़रिए से देखते हैं, लेकिन बजट बजट होता है। अब किस मायने में किसका क्या नज़रिया होता है वो देखने वाली बात होती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम अतिथियों का, और बजट स्पेशल में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।